राजा साहब शुरू से चाहते हैं कि वो कोई ना कोई अच्छा काम करे, क्योंकि पाकिस्तान की जो आवाम है ना वो किसी को भी आगे बढ़ने का मौका नहीं देती, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है। कोई भी अगर काम तो करना चाहता है ना ख्वाजा साहब, तो वो उसको इग्नोर किया जाता है। लोगों का क्या रिस्पॉन्स आता है जब वो आपका काम करते हैं? पहले तो जब काम स्टार्ट किया था लोग तो बड़ी बातें करते थे, लेकिन अब ये जब स्टार्ट हो गया अल्लाह का शुक्र है, जब काम लोग पसंद कर रहे हैं, दे रहे हैं, फीस 500 का भी है तो 5000 का भी है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं अमरीन अली और इस वक्त मैं बहुत ही खास जगह पर मौजूद हूँ, अक्स गैलरी में, और यहाँ पर बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, क्योंकि हमारी जो मसीही बरादरी है उनका त्यौहार आ रहा है, क्रिसमस डे आ रहा है, तो उस हवाले से अक्स गैलरी में बहुत ही अच्छे नित नए स्टॉल्स लगाए गए हैं, तो जहाँ पर ये तमाम तर इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किया है वहाँ पर ही हमें जो है वो एक ख्वाजा सरा नज़र आ रही हैं। वैसे तो अमूमन आप लोगों ने उनको एक ही, या फिर हमारी जो कम्युनिटी है उनको एक ही काम के लिए मखसूस किया होता है कि जी वो गाना गाएंगे या कुछ इस तरह से करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो अपना बहुत सारा काम जो है वो कर सकते हैं, डिफरेंट उनके अंदर जो है वो सलाहियतें होती हैं जिनको वो उजागर कर सकते हैं। जिनकी बात मैं कर रही हूँ उनका नाम है चांदनी गुल, और चांदनी गुल की ये हमें कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं जो कि उन्होंने बड़ी मेहनत से तैयार की हैं, और ये उनको अल्लाह ने एक ख़ास सलाहियत दी है जिसकी मदद से वो अपना जो जितनी भी चीज़ें हैं वो बनाती हैं, तैयार करती हैं, और फिर मुख्तलिफ जगहों पे उनके स्टॉल्स भी लगाती हैं, उनके काम को काफ़ी सराहा भी जा रहा है। मेरे साथ चांदनी मौजूद है, चांदनी से जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपना सफ़र का आगाज़ किया। अस्सलाम वालेकुम चांदनी, कैसी हैं आप? अच्छा ये बताएं सबसे पहले कि आपको कैसे आइडिया आया कि आपको अपना ये काम शुरू करना चाहिए, और ये सलाहियत आपको कैसे पता चला कि आप ये कुछ कर सकते हैं? पाकिस्तान के ख्वाजा साहब शुरू से चाहते हैं कि वो कोई ना कोई अच्छा काम करे, क्योंकि पाकिस्तान की जो आवाम है ना वो किसी को भी आगे बढ़ने का मौका नहीं देती, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है। कोई भी अगर काम को करना चाहते हैं ना ख्वाजा साहब, तो वो उसको इग्नोर किया जाता है, यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी इग्नोर करती है, ठीक है। और ये जो काम था ये बड़ी मेहनत से बलबूते से मैंने हालातों का और लोगों का मुकाबला करके ये शुरू किया। मैंने कहा मैंने हिम्मत नहीं हारनी तो ये काम करने का। किसने इनकरेज किया आपको? माँ ने। माँ ने, माँ का बहुत बड़ा हाथ है जी, बिल्कुल माँ की दुआ जन्नत की हवा, और इसलिए चांदनी आज इस लेवल पर मौजूद है। चांदनी अपनी ये जो ये मेरे ख्याल से जितना भी काम है ये ब्लॉक प्रिंटिंग है जी, जी, इस जी, तरह जी, का है क्या? डिजिटल प्रिंटिंग है ये, आप कैसे करती हैं, किस तरह से अपनी तमाम चीज़ें तैयार करती हैं? ये लकड़ी को पहले बाजार से लेके आना पड़ता है, उसकी कटाई करनी पड़ती है, लड़ाई करनी पड़ती है, उसको पॉलिश करना पड़ता है, फिर उसके साथ इसका सारा काम करना पड़ता है, बुक्स वगैरह लानी पड़ती है, कुछ जो प्रिंट होता है हाथ से वो हाथ से किया जाता है, और बाकी ये मशीन से डिजिटल होता है। लोगों का क्या रिस्पॉन्स आता है जब वो आपका काम देखते हैं? पहले तो जब काम स्टार्ट किया था लोग तो बड़ी बातें करते थे, लेकिन अब ये जब स्टार्ट हो गया अल्लाह का शुक्र है, जब काम लोग पसंद कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो अब आहिस्ता आहिस्ता सब लोग यकीन होते हैं। अच्छा चांदी ये भी बताएं कि अमूमन ऐसा होता है कि लोग मजाक बड़ा उड़ाते हैं? नहीं, ज़्यादातर मजाक ही उड़ाते हैं। आप मुख्तलिफ जगहों पर जब आप स्टॉल लगाती होंगी तो बजाय वो आपकी चीज़ें, आपका आर्ट, आपका काम देखने, वो मुख्तलिफ किस्म के बातें करते हैं, नारे करते हैं, ऐसा चीज़ों का सामना करना पड़ता है, ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसे बारों को तो हम ये तो बस एक आम सी बात, लोग कहते हैं जी आप बस ये इनके कहले करके कर अल्लाह इनको हदायत दे, हम तो कह देते हैं, लेकिन अल्लाह इनको हदायत तो देता, अल्लाह तो किसी का बुरा नहीं सोचता, वो तो अल्लाह है, वो तो सबका अच्छा सोचता है ना। ये तो लोगों के अंदर की एक होती है ना घटिया सी बात, एक जाहिलाना कि कोई भी ट्रांसजेंडर काम करता है तो कहते हैं नहीं जी नहीं, वैसे अपने बच्चों को ये लोग कहते हैं हमने अमेरिका पढ़ाना है, हमने आस्ट्रेलिया पढ़ाना है, तो उधर ट्रांसजेंडर को मांगते हैं या को डांस करते हैं, उधर भी तो सब लोग जॉब करते हैं ना, तो यही सोच लिया करो। जब अपने बच्चों को ये कहते हो हमने आउट ऑफ कंट्री में पढ़ाना है, तो ये भी तो देखो उधर के जो ट्रांसजेंडर है वो काम भी तो करते हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं ऐसा हो सकता? अच्छा चांदी ये भी बताएं कि कितनी कॉस्ट है, कितने में आप ये सेल करते हैं? नहीं डिफरेंट इसकी कॉस्ट है, एक पीस 500 का भी है, कोई 5000 का भी है, ठीक है। जैसे कि ये छोटा 5 वॉल फ्रॉक है, ये छोटा 5 का है, कोई 1500 का है, कोई 2500 का, कोई 3000 का, इस तरह डिफरेंट है। तो आपका काम तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, मुझे भी बड़ा पसंद आया है, लोग खरीदते हैं आपसे, इतनी इनकम आपको अच्छी इनकम हो जाती है? शुक्र है अल्लाह का हो जाता है, सारा निज़ाम चल जाता है ना। फ्यूचर में क्या प्लान है, इस काम को कहाँ तक लेके जाने का प्लान? फ्यूचर तक इसका जो है, फ्यूचर तक अगर लोगों ने साथ दिया तो फिर तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर तो बाहर तक भी कुछ चीज़ें गई हैं, ठीक है, तो लेकिन हिम्मत नहीं हार, हिम्मत नहीं हारनी है। चांदनी के हौसले बुलंद हैं, और हम भी दुआ करते हैं कि चांदनी अपने काम को
आगे जो है वो लेकर जाएं। मैं आपको कुछ काम भी दिखाना चाहूँगी, चांदनी का काम है जो कि बड़ा ही अच्छे तरीके से वो करती हैं। अपने घर में बेसिकली तमाम चीज़ों को तैयार करती हैं, उसके बाद इनको पेश कर देती हैं जिनको लोग काफ़ी सराहते हैं। मुख्तलिफ इनकी प्राइस जो है वो इन्होंने फिक्स की हुई है, और यहाँ पर बॉक्सेस भी हैं जो उन्होंने डिजिटल जिन पर प्रिंटिंग की हुई है, उससे डिफरेंट चीज़ें रखी जा सकती हैं। इसके अलावा ये कुछ नज़र आ रहे हैं हमें, अल्लाह के नाम वो भी इन्होंने लिखे हैं, और बड़ी नफासत से ये हमें नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से अच्छे तरीके से जो है वो ये काम करती हैं। बिल्कुल ट्रांसजेंडर के बारे में जो है वो सभी लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि कोई काम नहीं कर सकते और उनको उनके हकूक से भी महरूम कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उनमें बहुत सारी सलाहियतें होती हैं, उनको बस काम करने का मौका दिया जाए और काम करने दिया जाए, उनको तंग ना किया जाए, तो वो अपनी मंजिलें आसानी से तय कर सकते हैं।